Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six by Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sulakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब my another channel. So let's get started. You can follow me on threads @sulakshana1369. So let's see, let's find out. Okay, so we do have the key with the locker box. Theek hai. We do have this woman with the umbrella. Okay, this is the mirror with the key and lock. Okay. यहाँ पे है हमारे पास the message. ठीक है. Okay, the Adam and the Eve with the devil. Bottom of the deck हमारे पास है again a mirror. ठीक है. यहाँ से हम देख लेते हैं. I hope you can see these cards properly. So we do have the five of forces. We do have the Akashic Library. We do have the Master Artisan. We do have four of forces. This is a four of wands. And यहाँ पे है six of scrolls. Wow. We do have the twin flame, the Queen of Forces. Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo and Capricorn, Cancer, Pisces and Scorpio. अगले 10 दिन में ऐसा क्या हो सकता है? तो मुझे यहाँ पे जो synchronicities दिखाई दे रहा है apart from this one कि यहाँ पे मुझे सबसे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे inner work, ठीक है, healing, meditation वो करने के बाद जैसे आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो. आपको समझ में आ रहा है कि क्या गुत्थी है, क्या चाबी है, क्या दरवाजे हैं, उसका लॉक क्या है प्रॉपरली. आपको पता ही होगा वेन एवर वी गो फॉर एनी टूर आजकल कर जो लगेज ट्रॉलीज है वहाँ पे मैचिंग मतलब वो उस नंबर को उस चाबी के साथ मैच करना पड़ता है. मतलब वो जो एक जिप है उसके उसके साथ साथ वो जो लॉक है वी नीड टू मैच दैट. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगले 10 दिन में भले ही आपके सामने बहुत सारे पजल्स क्यों ना आए, ठीक है, बिकॉज वी कैन सी द लेडी विद द मिरर ट्वाइस. ठीक है, शायद आपको पूरी तरह से क्लियर मैसेजेस मिल जाए, क्लियर आपको पता चले कि आपको कौन से दरवाजे खोलने हैं, कौन से दरवाजे पर और खटखटाना नहीं है. आई डू फाइंड एबंडेंस, फर्टिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है. जो किताब से सिर्फ नॉलेज नहीं आपका बट बहुत सारे नेचर वाइज भी एक्सपीरियंस आपका होते जाएगा. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो आपने पढ़ के जाना है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे लेसन्स जो आपने लर्न किया है थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, सब तजुर्बा एक साइड पर, किताब एक साइड पर, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एक साइड पर, कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ को सारे चीज़ को इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हो, असेंबल करते हुए दिखाई दे रहे हो और आप उसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है. अब समझ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ बनाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग समथिंग, सो यू विल डेफिनेटली प्रूव टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट मैन्युफैक्चरर अगर आप उस बिजनेस में हैं, अ ग्रेट यू कैन से दैट कस्टमर कंप्लेन जहाँ पे होता है उसके जो मैनेजर है, ग्राउंड लेवल मैनेजर, ठीक है, फ्लोर मैनेजर, एनीथिंग, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर अ प्रोफेसर, जिस फील्ड में भी आप हो उस फील्ड में भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होते हुए.
जिस किसी के लिए भी आप इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही हो या कोई और रिलेशनशिप ही हो, ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फिगर, वो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स क्या थे, क्यों वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुए, क्यों वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, उस डेस्टिनेशन पर जाके पहुँच ही नहीं पाया। क्योंकि एक ने तो टिकट जो है वो खरीद लिया था, परचेस कर लिया था, और दूसरा ने कहा था कि परचेस करेगा लेकिन किया नहीं। सो देयर वॉज मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे उनके नहीं रहे होंगे, उनके जो थे आपके नहीं रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला था, सॉरी, इन योर बिजनेस इट डिड नॉट हैपन प्रॉपरली, सो देयर वर ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके वजह से आप बहुत ही आपका दिल दुखा। बट जैसे बोला जाता है, विद अ चेंज ऑफ सीजन्स एवरीथिंग चेंजेस, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी दैट इज कमिंग इन टू योर लाइफ वंस मोर, ओके। सो आई डू फाइंड कि डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आ भी जाए तो भी आप वहां से एग्जिट प्लान जरूर बना पाएंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, आई जस्ट ड्रैंक वाटर। एनीवे, सो वट एवर द डिफिकल्ट सिचुएशंस वेयर, ठीक है, जैसे वक्त ही बदल जा रहा है आपके लिए, जो वक्त पहले का था वो नहीं रह रहा है, आप बहुत ही प्रेजेंट सिचुएशन में जो है वर्तमान हालात में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने जो फैसला लिया था या जो फैसला मैं आगे लेने वाला होऊंगा या होंगी, वट एवर, ठीक है, आपके जेंडर जो भी है, विल इट बी अ प्रॉपर डिसीशन, यस, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है रिलीफ फ्रॉम टेंशन, ये आते हुए दिखाई दे रहा है, महसूस करते हुए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को, एक डेविलिश एनर्जी, एक इविल एनर्जी आपके जिंदगी से निकलते हुए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सो दैट यू डोंट गेट टेम्प्टेड टू एनी ऑफ द थिंग्स। अगर कोई आपको ये भी कहे कि देखो आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप इसमें सेविंग्स करें, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आप दूसरा कंपनी में जाएंगे आपको इतना ऑफर नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा आपसे करवाना चाहे, शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रिस्क अगर लाभ ले रहे हैं तो देट देर कैन बी लॉसेस। सो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले, आप देखना पैसा कैसे 100 times बढ़ जाता है। सो इट इज़ जस्ट अ फेक थिंग, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो मुझे आपको बताना है, आपको एक ही सिचुएशन का दो पहलू हमेशा सोच विचार करके ही चलना है, आपको ये हमेशा ही याद रखना है कि समर सीज़न जो गर्मी का मौसम है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और विंटर सीज़न भी सारा साल नहीं रहता है। सो चेंजेस ऑफ सीज़न कॉजेस फ्लक्चुएशन, ठीक है, हो सकता है कि आपकी बिजनेस जो है अभी डाउन जा रहा है लेकिन इसके बाद अप जाएगा, हो सकता है कि राइट नाउ यू डोंट हैव अ जॉब बट इट विल नॉट स्टे, अगेन यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। आज आप कोई सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपकी कंफर्मेशन लेटर आने वाला था लेकिन नहीं आ रहा, यू आर स्टक, सो दिस सिचुएशंस आर गोना चेंज। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ को अपनाना चाहते हैं या आपको प्राप्त करना है, पहले बात तो है आप उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखें। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि द एंड ऑफ अ सिचुएशन एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सिचुएशन इज देयर इन योर लाइफ, कोई नया अवस्था आपके जीवन को छूने वाला है। जैसे वक्त का पहिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाते हैं, यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका है वो आप ही के लिए आ रहा है और जो आपका नहीं है वो पीछे आपसे अलविदा करते हुए जा रहा है। आ ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज ऑल्सो कमिंग टूअर्ड्स यू, डिवाइन सोलमेंट कनेक्शन इज कमिंग टूअर्ड्स यू, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग इन द नेक्स्ट 10 डेज दे विल बी मोर फोकस्ड टूअर्ड्स देयर वर्क। अगर आप कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको वीडियोज़ देना है, मे बी यू आर
going to give videos, maybe you are going to do lot of things online. So abhi ye samay aa sakta hai, within the next 10 days you do many creative things जो इससे पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है, एक बार ट्राई करके आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है. सो इफ़ यू फील दैट आई शुड ट्राई, यू शुड ट्राई, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी यू डू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसा तस्वीर आप बनाते हैं, एनिमेशन में हैं, अगर आप वीडियो गेम्स क्रिएट करते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहते हैं, if you want to create a blog, if you want to create a food blog, so basically ये सारे चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपके इंटरेस्ट डेवलप होगा और धीरे धीरे आप उस चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हो. बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी लेने की भी कोशिश करें, ठीक है. हो सकता है कि आपको कुछ पसंद आ गया, बहुत अफोर्डेबल रेट पर है, पर सिटी से काफ़ी दूर है, बट आसपास के सीनरीज बहुत सुंदर है, पूरी तरह से वेल वेंटिलेटेड है, वेल स्पेशियस है, कहीं ना कहीं इट इज़ इन द मिडल ओके ऑफ द यू कैन से दैट विलेज, वट एवर बी इट इज़, ठीक है. लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा वो जगह और आप स्टार्ट कर दोगे, इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला के वो काम स्टार्ट करने वाले हो आप. कोई भी अगर आप वर्कशॉप करना चाहते हैं वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा. कोई अगर आपके लिए वेबसाइट है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतना काम आपके पास आएगा, इतना वर्क ऑर्डर्स आएगा, इतना सप्लाईज आपको देना पड़ेगा. अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो भी आप अपने लिए वक्त तो ज़रूर निकाल दीजिए, बिकॉज आई कैन सी दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो. एलोंग विद दैट आपके लिए जो रिलेशनशिप आ रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ये, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ये दिलचस्प रखते हैं, काफ़ी फ्रेंडली एटीट्यूड भी है, लोगों के लिए केयर भी करते हैं, ठीक है, और अपने पर्सनैलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन भी करते हैं. आई डू फाइंड लाइक दैट बेसिकली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विशाखा नक्षत्र हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ आपका एक ही ब्रांच था, हो सकता है कि आप एक ही जगह पे जॉब कर रहे हो और आपको ऐसा इच्छा है कि साइड बाय साइड हम बिजनेस कर ही ले. मे बी अगर आपके कंपनी अलाउ कर रहे हैं तो शायद आप करो. मे बी यू आर वर्किंग इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ बैंक, बट साइड बाय साइड आप इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करें. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए दिखाई दे रहा है और एक स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखाई दे रहा है. बट ऑन द नेगेटिव साइड कुछ टेम्पटिंग ऑफर्स भी, टेम्पटिंग रिलेशनशिप भी आपको सेड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप ओपन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड. अगर आप नहीं जाना चाहते, अगर आप कन्फर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, सो यू हैव टू टॉक टू देम, ठीक है. और भी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. अहिंसा एंड अनाहता. अनाहता चक्र इज द हार्ट चक्र, अहिंसा इज द नॉन वायलेंस. जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि नॉन वायलेंस जो है वो दैट इज द बेस्ट वे, बेस्ट टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं, बेस्ट तरीका आप बोल सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हैं, बेस्ट प्लान बोल सकते हैं, दैट विदाउट एनी फिजिकल डैमेज हम भी सब लोगों को समझा सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि डंडा उठाए और समझाए. नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट. और दिल के मामले जो है बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और उसके साथ डीलिंग्स भी काफ़ी सेंसिटिव होता है. सो हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स के तरफ आपका हार्ट चक्र जो है वो आज ब्लॉक्ड है. किसी रिलेशनशिप में आप थे लेकिन आप ट्रैप्ड थे. आप क्या करेंगे आपको पता नहीं चल रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था, आपको इरीटेट हो रहा था, कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा था मैं तबाह कर दूँ उस इंसान को जिसने मेरे साथ ऐसा किया. बट इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी इन कंट्रोल और आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो ही जाएंगे. काफा दोष ओके. और देखते हैं यहाँ पे तापस. तापस इज लाइक यू नो व्हाट, इट्स लाइक फोकस, डीप मेडिटेशन, सहस्रारा ओके.
प्राणा. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जो चक्र से ध्यान यू नीड टू गो थ्रू, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, जैसे मैंने आपको कहा कि यू विल फोकस मोर ऑन योर बॉडी फिटनेस. हो सकता है कुछ डांस स्टेप्स आप कर सकते हैं. ओके, अगर आप करना चाहे तो इससे क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव्ड होगा, इम्प्रूव्ड ब्रीदिंग हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो अच्छा जाएगा कहीं ना कहीं पे. अगर आपकी हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी कुछ नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या आपके कुछ एक्सरसाइजेस आपको अगर दिए गए हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे इतना समय से, मे बी विल डू दैट विथ प्रॉपर प्रिकॉशन. दूसरा चीज़ है, कोई इंस्ट्रक्टर भी आपको ये सब करने से बोल सकते हैं. मे बी आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करने वाले हैं, आप खुद ही सीखने वाले हैं, एंड यू विल डू दिस थिंग्स बाई ऑल अलोन. यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है जहाँ पे आप अपने आप को पूरी तरह से उस डिवाइन एनर्जी के सामने कुर्बान करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग इन टू दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी.